साक्षी जिला हमीरपुर में शिक्षा की जगह नौनिहालों से स्कूल में सफाई करवाई जा रही है। सुबह के समय हमीरपुर शहर के बीचों बीच राजकीय बाल माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में बच्चों की कक्षा की जगह स्कूल परिसर में फैली गंदगी और झाड़ियों को साफ करवाया गया। यही नहीं, नौनिहालों के द्वारा सारी गंदगी को सड़क पर रखे गए कूड़ादान में भी डलवाया गया। हालांकि इस काम को करते हुए नौनिहालों के हाथों के साथ साथ पूरी वर्दी भी गंदी हो गई, लेकिन साथ में खड़े अध्यापक मुख्य दर्शक बनकर सारा काम करने के लिए आदेश देते रहे। राजकीय बाल प्राथमिक पाठशाला हमीरपुर में हुए इस तरह के कार्य से हर कोई दंग है, क्योंकि ये पाठशाला शहर के बीचों बीच स्थित है और बाजार से गुजरते हुए हर राहगीर के अलावा दुकानदार भी ऐसा देखकर हैरान थे। इस घटना पर स्थानीय लोगों ने भी गहरा रोष जताया है। वहीं इस बाबत जब स्कूल परिसर में अध्यापिका से बात की गई तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि अध्यापक भी साथ में सफाई कर रहे हैं और कहा कि आगामी दिनों में स्कूल में खेलों का आयोजन होना है, इसीलिए बच्चों को सफाई के लिए लगाया हुआ है। गौरतलब है कि इस तरह शिक्षा के मंदिर में नौनिहालों का सफाई में जुटा होना हर किसी के मन को ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि एक ओर तो प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा देने के दावे करते नहीं थक रही है, वहीं साक्षी जिला में ऐसी घटना होना सबके लिए हैरान कर देने वाली है। अब ये बेचारे थोड़े टांग में दर्द है, आपको तो जानते हो इनको। नहीं, डीएलएड वाले ये तो साफ खास साथ खड़े हैं, सफाई करेंगे। ये सारे काम करते हैं हमारे। अब हम गेम में लगेंगे साइज ठाई को, तो हमारा ग्राउंड बनाना है। अब सेंटर वाले आएंगे सारे बच्चे, तो ग्राउंड तो साफ चाहिए ना। कल हाँ क्या हमारे लेबर रखेंगे बंदा, उससे मिट्टी करो डलवाएंगे वहाँ पर, ये साथ में पड़ी हुई। तो आपका पीएन नहीं है यहाँ पे? कोई पीएन तो है ना, पर लगी हुई है साथ में भैया। एक पीएन क्या करेगी,